काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इस वीडियो में आप विद्यार्थी के वैसे पांच गुण समझने वाले हैं जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो एक सफल ओजस्वी यशस्वी तथा प्रतिभावान विद्यार्थी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से लक्षण हैं। वैसे तो यह उक्ति परंपरागत है, सदियों से चलती आ रही है, किंतु आज के कसौटी पर भी यदि हम इसे कसते हैं तो यह 100% सही पाई जाती है। आइए इस उक्ति का विश्लेषण करते हैं और एक एक करके पांचों गुण को समझते हैं कि ये पांच गुण कौन से हैं, ये पांच लक्षण कौन से हैं। तो काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यहाँ पर पांचों लक्षण का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। अब काग चेष्टा, काग का मतलब होता है कौवा। एक विद्यार्थी की चेष्टा कौवे के समान होनी चाहिए। अब आपने कौवे को देखा होगा, अगर आप एक रोटी का टुकड़ा आकाश में फेंकते हैं तो आप देखिएगा कि कौवा उसे नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। या प्यासा कौवे की कहानी सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि कौवा कैसे अपने सूझबूझ से थोड़े पानी को ऊपर लाकर पी के अपनी प्यास बुझाता है। तो एक विद्यार्थी की चेष्टा भी उसी कौवे के समान होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है बको ध्यानम। बक मतलब बगुला होता है। आप देखे होंगे कि बगुला पानी में जब अपना शिकार पकड़ता है तो एकदम बिल्कुल जड़वत खड़ा होता है, मानो वह एक मूर्ति हो, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान रखता है और जैसे ही मछली तैरती हुई आती है तुरंत उसे पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह से एक विद्यार्थी का ध्यान भी उसे बगुले के समान होना चाहिए, केवल लक्ष्य पे टिका होना चाहिए। जब भी कोई शिक्षक कुछ पढ़ाएं या पुस्तक पढ़े तो उसका ध्यान बिल्कुल न भटके, ध्यान का भटकाव न हो और बिल्कुल ध्यान को लक्ष्य पे टिकाए रखे और उन बताए गए बातों को अपने माइंड में सेव करते जाए अर्थात पकड़ते जाए। तीसरा गुण है स्वान निद्रा। स्वान का मतलब कुत्ता होता है। तो एक विद्यार्थी का नींद उस कुत्ते के समान होना चाहिए जो अपने मालिक के प्रति, अपने कार्य के प्रति वफादार होता है। एक विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के प्रति उसी तरह वफादार होना चाहिए। यहाँ कुत्ते के समान नींद का अभिप्राय यह है कि एक विद्यार्थी को हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहना है और एक विद्यार्थी को कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए और कब सोना है कब जगना है इस रूटीन को वह स्वयं ही निर्धारित करे, तभी जाके वह एक सफल विद्यार्थी बन पाएगा, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएगा। चौथा गुण है अल्पहारी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, हारी का मतलब खाने वाला। एक विद्यार्थी को भी अल्पहारी होना चाहिए, उसे कभी भी बहुत अधिक भोजन एक साथ नहीं लेना चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है कि जब भी कोई खाना खाता है तो उसकी अधिकांश ऊर्जा रुधिर का प्रवाह उसके पाचन तंत्र की ओर हो जाता है और माइंड की ओर कम हो जाता है, इसलिए एक विद्यार्थी को नींद भी आने लगती है। तो खाना जब भी खाएं थोड़ा सा खाएं, संतुष्टिपूर्वक खाएं, भले 2 टाइम के बजाय 3 टाइम खाएं, 4 टाइम खाएं, लेकिन खाना एक विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा ही करके खाना चाहिए। अब पांचवा और अंतिम गुण है गृह त्यागी। देखिए एक विद्यार्थी में तो त्याग की भावना होनी ही चाहिए, किंतु यहाँ गृह त्यागी, गृह का मतलब होता है घर। एक विद्यार्थी को जब भी आवश्यकता हो, जब भी कहीं पढ़ने जाना हो, वह निसंकोच जाने के लिए हमेशा तैयार रहे, हमेशा तत्पर रहे। एक विद्यार्थी को परिवार के प्रति जब पढ़ाई की बात आए तो मोह भंग होना चाहिए और हमेशा घर त्यागने का भाव उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर वह किसी अच्छे संस्थान अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी के ये जो 5 लक्षण अभी आप लोगों ने देखा, एक विद्यार्थी इसे अपने जीवन में अप्लाई कर देता है तो उसे सफल होने से, उसे यशस्वी होने से, उसे योजस्वी होने से कोई रोकने वाला नहीं है। एक विद्यार्थी हमेशा इन 5 गुणों को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ेगा और अपना कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हो पाएगा। धन्यवाद।